आत्मनिर्भरता की पटरी पर युवा शक्ति के इंजन के साथ तेज गति से बढ़ता भारत आज वैश्विक प्लेटफॉर्म पर विकास की अग्रिम पंक्ति में शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के संकल्प से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, एमएसएमई लीन जैसे कई अभियानों से देश में करोड़ों युवाओं के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनसे रोजगार, निवेश और उद्यमिता के अनेक अवसर तो बने ही हैं, साथ ही हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाएं और सपने भी साकार हो रहे हैं। रोजगार सृजन की 8-9 वर्षों की सतत यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए एक वर्ष के भीतर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत पूरे देश में रोजगार मेलों का आयोजन कर प्रतिभाशाली युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सरल प्रक्रिया से नियुक्तियां दी जा रही हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियां कार्य कर रही हैं। नव नियुक्तों को रेल मंत्रालय में अनेक पद जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है। नव नियुक्त युवा न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं बल्कि हर विभाग की कार्यकुशलता भी बढ़ा रहे हैं और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत आधुनिक कनेक्टिविटी पर पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व गति और स्तर पर काम हुआ है। सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पर पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत तीव्र गति से काम हो रहा है। जहां युवा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं और यूनिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े पब्लिक एम्प्लॉयर में से एक भारतीय रेलवे रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज के रोजगार मेले में लगभग 70% युवाओं की नियुक्ति रेलवे में ही हो रही है और इसके साथ ही साथ अन्य विभागों जैसे बैंक, पोस्ट, रक्षा, उच्च शिक्षा, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि अनेक विभागों में भी हजारों युवा नियुक्त हो रहे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की राह में युवा शक्ति के जुड़ने से टूरिज्म से लेकर उद्योग धंधे तक, लॉजिस्टिक से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं और अवसर बनेंगे, जिससे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर और आगे बढ़ेगा।